हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड विद यू एंड योर लाइफ। टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता अभी चल ही गया होगा कि ये व्लॉग आज किस बारे में होने वाला है। आई नो ये व्लॉग काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था बट इतनी देर के बाद आ रहा है। इसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ी सी स्पेक्टिकल थी कि क्या मैं ये व्लॉग डालूँ या मैं ना डालूँ, बिकॉज़ यू नो इतना मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि हम दोनों या यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड कुछ तो कोई और फैमिली मेम्बर नहीं है कि जब वो चीज़ हो रही है तो कोई कैमरा पकड़ कर ये चीज़ कैप्चर करे, तो वो हम नहीं कर पाए थे। बट हाँ, जितना हो सका हमने कैप्चर किया क्योंकि वो मोमेंट ऐसा होता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, तो कैमरा तो दूर की बात है। बट एनीवेज, सो मैं ये काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ये व्लॉग डालूं या ना डालूं। आज मेरे दिमाग में ये चीज़ आई क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कनाडा में डिलीवरी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स का। मैं कहा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं अपना बर्थ व्लॉग भी शेयर कर दूंगी और जो कपल ऑफ क्वेश्चन हैं मेरे माइंड में और आप लोगों के भी माइंड में, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको भी वो क्लियर हो जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस भी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा कनाडा में। तो चलो पहले आप जो कपल ऑफ क्लिप्स मेरे पास हैं वो देखो मेरे बर्थ व्लॉग की, साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कनाडा में हो, नए हो और आपके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो यस, वीडियो को एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। और जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहा है और जो मेरी फैमिली का पार्ट बन रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे उससे मोटिवेशन मिल रही है, नई वीडियो ज़रूर बनाती रहूँगी और आगे भी मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रैवलिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। तो चलो लेट्स गो और करते हैं स्टार्ट वीडियो। ऑल द वे डाउन वो मेन रोड है। हाँ, क्योंकि वो बंद है ना, वो बंद है। सीता हाय गाइस, तो जैसे कि आपने पिछली क्लिप में देखा होगा कि हमें रश में हॉस्पिटल जाना पड़ा रात को, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो हुआ क्या कि मेरी अब ड्यू डेट भी हो गई है, तो अब टाइम आ गया है बेबी का आने का। तो मुझे थोड़े दिनों से कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी, बट इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही थी, बट ऐसे थोड़ी थोड़ी हो रही थी। तो मैंने कहा कि अभी ये तो नॉर्मल ही है। तो कल शाम को मुझे 5 बजे के बाद कंटिन्यूसली आफ्टर 5 to 6 मिनट्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इतनी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी, ईजी थी। तो आई वॉज़ लाइक ओके, एंड मैंने कहा कि थोड़ा वेट करते, वेट किया कि वाकई ये फॉल्स लेबर तो नहीं है। तो बट 11 बजे के बाद आई वॉज़ नॉट एबल टू बेयर इट। सो मैंने कहा कि चलो आई थिंक इट्स टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। सो फिर हम हॉस्पिटल गए, बैग वगैरह हमारा पहले से ही पैक था, तो हम हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में चेक किया नर्स ने, तो यस इट वॉज कॉन्ट्रैक्शंस। सो कॉन्ट्रैक्शंस और लेबर मेरी स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अभी भी यू आर नॉट दैट मच डायलेटेड, तो फिर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ हो नहीं सकता, सो इट्स बेटर है कि इसके लिए हम आपको कोई दवाई वगैरह दे दें ताकि आप रेस्ट करो, बिकॉज ये अर्ली लेबर है तो ये कॉन्ट्रैक्शन आपको होती ही रहेंगी। सो फर्स्ट आई वॉज़ लाइक कि चलो ठीक है, मैं बेयर कर लूँगी, इट्स ओके। उन्होंने डॉक्टर से चेक करना था कि अगर मॉर्फिन वगैरह दे सकते हैं ताकि मैं सो जाऊँ, बट डॉक्टर वॉज़ नॉट अवेलेबल। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया जो पेन किलर वगैरह होती है आप वो ले लो,
एंड देन ट्राई टू गेट सम स्लीप और हॉट वाटर बाथ ले लो ताकि जो कंट्रैक्शन है थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए और आप सो जाओ, बिकॉज़ ये अर्ली लेबर है तो ये अब बढ़ेंगी बढ़ेंगी। रात का 1 बज गया था तो मैंने कहा कि यहाँ पे बैठने का तो कोई फ़ायदा है नहीं है बिकॉज़ अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम घर वापस आ गए और मैंने पेन किलर ली और सोने की कोशिश की, बट आई वॉज़ नॉट एबल टू स्लीप फॉर अ सेकेंड। इतनी ज़्यादा मुझे कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, जितनी हो रही थी उससे डबल मुझे स्टार्ट हो गई, और एवरी 10 मिनट्स के बाद, एवरी 5 मिनट्स के बाद। दैट वॉज़ सो पेनफुल एंड आई एम स्टिल इन पेन। मुझे अभी भी कंट्रैक्शन हो रही है, लेकिन मैं अभी उठी उठी क्या, मैं पूरी रात उठी थी, अंकुश वॉज़ अवेक एज वेल ऑल नाइट, तो पूरी रात हम दोनों ने बैठ कर ही काटी है। तब मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो वहाँ जाएंगे, डॉक्टर दोबारा चेक करेगा कि व्हाट इज़ द सिचुएशन नाउ एंड देन विल गो फ्रॉम देयर, बट आई एम स्टिल इन पेन। मैंने दवाई ली थी एटलीस्ट आई थिंक 4 बजे के साथ, तो उससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, लेकिन स्टिल कंट्रैक्शंस आ रही थी आ रही थी आ रही थी। मेरी हालत ख़राब हुई है। अब मैं उठ के हॉट शावर लेती हूँ, उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर क्या बताता है। सो आगे की सिचुएशन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरा डॉक्टर के पास चेकअप है, तो हम गए थे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए, तो उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि अभी भी टाइम है, तो यू आर नॉट दैट मच डायलेटेड कि हम आपको अभी शिफ्ट कर लें। आई नो कि पेन हो रही है बिकॉज़ ये साइंस हैं अर्ली लेबर के, तो ये पेन तो आपको बेयर करनी पड़ेगी, तो अभी हम आपको शिफ्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बताई कि अभी तो अर्ली लेबर है तो इसको टाइम लग सकता है, कई बार होता है विद इन आवर्स भी आपको ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाए तो आपकी डायलेशन हो जाए, कई बार होता है इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 days एज वेल, तो आपको ये पेन 2 to 3 days तक सहनी पड़ेगी विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। क्या कर सकते हैं, अब पेन तो होगी ही, तो हम घर वापस आ गए हैं और मैं अब थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ बिकॉज़ कल रात से मुझे बिल्कुल, मैं सोई भी नहीं हूँ और खाना भी मैंने इतना प्रॉपर नहीं खाया है, बट मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी अगर मुझे नींद आती है तो, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ी एक्सरसाइजेज वगैरह करूँगी एंड देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है शाम को, लेट्स सी कि क्या होता है, और मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ।
वेल इट्स बीन 4 months ऑलरेडी, तो ऐसा लग रहा है कि कल की बात ही, अभी तो मैं प्रेग्नेंट थी, अभी तो मैं शिफ्ट हुई थी हॉस्पिटल में, और टाइम कैसे बीतता यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। बट एनीवेज बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। तो जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में क्लिप दिखाई कि हमें पूरा रूम ही दे दिया गया था, जहाँ पे मेरा बेड तो लगा ही था, मेरे हस्बैंड का भी एक स्मॉल सा साइड पे बेड लगा हुआ था, देन उसमें बाथरूम भी अटैच था। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल वाले आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बेबी के डाइपर्स, बेबी की कोई भी चीज़, अगर स्वेटर ब्लैंकेट नहीं है आपके पास, अगर कुछ भी चीज़ आपको चाहिए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना बैग लेकर जाना, पैकिंग करके जाना, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो, वहाँ पे स्टॉक पे नहीं हो और आपको चाहिए हो, आपकी कुछ बेसिक एसेंशियल्स हो, तो वो तो आप बैग पैक कर सकते हो, बट ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सब कुछ ही होता है, तो वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद बात आ जाती है फूड की। तो जैसे कि जब मेरी डिलीवरी हुई तो उसके बाद मैं वहाँ पे 3 से 4 दिन रही, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे वीकनेस हो गई, तो मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन में ही रहना पड़ा था। तो 3-4 दिन का जो भी फूड था, सुबह शाम दोपहर, सब मुझे फूड हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड हुआ। और ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ही फूड था, एकदम न्यूट्रिशियस फूड था, प्रोटीन रिच फूड था। और अगर आप कभी भी चाहते थे कि वह जूस चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो 1 सेकंड के अंदर मुझे वहाँ पे मिल जाता था, तो विच वॉज़ वेरी गुड एज़ वेल, बिकॉज़ यू नो हमारी फैमिली में से सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड अंकुश ही हैं यहाँ पे, तो हम दोनों ही थे और अंकुश मेरे साथ में ही थे। अगर फूड लेने जाना पड़ता तो बाहर जाना पड़ना था, और मुझे अकेला छोड़ के अंकुश जाना नहीं चाहता था, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा कि सब कुछ ही हमें वहाँ पर ही अवेलेबल हो गया था। देन अगर डॉक्टर्स एंड नर्सेस की बात करें तो वो आपको इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे दैट यू आर नॉट लाइक पेशेंट टू देम, यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर अ फैमिली मेम्बर टू देम। सीरियसली हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम जैसे हॉस्पिटल में आके हैं, और यू नो समटाइम्स आप देखते हो काफ़ी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऐसे ट्रीट करते हैं आपको कि पता नहीं आप कितने बीमार हो, और उससे जो आपका लेवल होता है वो और ही डाउन हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो नर्सेज थी वो इतनी हेल्पफुल थी कि वो हर टाइम मुझे आके पूछ रहे थे, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है मुझे बता देना, मैं ला दूंगी, दिस एंड दैट। सो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। बात करें हॉस्पिटल की तो उसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी। मेरा जो ब्लड प्रेशर था डिलीवरी के बाद काफ़ी लो चला गया था, तो मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। तो 2-3 दिन के लिए तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं पूरा प्रॉपर डिटेल चेकअप करूँगा कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कि बीपी था ना, ब्लड प्रेशर ही था ना। सारे टेस्ट वगैरह हुए, सब कुछ ठीक था। इट वॉज जस्ट कि यू नो जो अगर मदर्स मुझे देख रही हैं तो उनको तो पता ही होगा कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू, तो ये ऊँच नीच तो होती ही रहती है। और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें तो ये चीज़ है ही है कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एनीवेज सब कुछ ठीक था। एंड उसके बाद उन्होंने 4 दिन के बाद भी मुझे आके ये पूछा कि अगर आप फील कर रहे हो गुड तो आप घर जा सकते हो, अदरवाइज आप यहीं रहो, जब तक आपको नहीं लगता कि आप पूरे प्रॉपर ठीक हो गए आप यहाँ पे रह सकते हो, बट हमारी ओर से तो आप बिल्कुल ठीक हो, आप घर जा सकते हो। लाइक उन्होंने इतना लीवे हमें दिया था कि आप वहाँ रह सकते हो, अगर आपका घर पे कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जो आपकी ज़्यादा मतलब टेक केयर करेगा, तो हम यहाँ पे हैं तो हम कर सकते हैं, बट हम चलो घर पर आ गए थे, बट ये चीज़ भी वहाँ पे थी, तो विच वॉज़ वेरी गुड। एंड अनदर थिंग, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो लैक्टेशन कंसल्टेंट होते हैं, जो बच्चों की नर्सेज होती हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट की नर्सेज होती हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके पास वो आते हैं, आपको जो भी उनकी नॉलेज होती है सारी आपको देते हैं, बिकॉज यू नो आप नई नई मदर बने होते हैं तो आपको नहीं पता होता कई चीज़ों का, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड इवन जब आप घर पर चले जाओगे
तो देन आपके बेबी के लिए आपको होता है ना कि जैसे बड़ा बुजुर्ग कोई घर पर है नहीं है तो आप क्या करोगे अकेले, बट उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट की नर्सेस होती हैं वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे देती हैं, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ भी करना हो तो आप उनको कॉल कर सकते हो, इवन कि वो आपके घर पर आके भी विजिट कर जाएंगी। मैंने अपने बेबी का चेकअप करवाना था कुछ वीक्स के बाद, तो ठंड काफ़ी थी, स्नो वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी, अवॉइड कर रही थी मैं बाहर जाना, तो मैंने उनको कॉल किया तो वो नर्स घर पर ही आके वेट भी चेक कर लिया, सब कुछ जो भी मुझे मेरी क्वेरीज थी उसका आंसर उसने दे दिया घर पर ही आकर। तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपको एक रिलैक्सेशन देगी कि आपको बार बार डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल कि कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी सिचुएशन हो तो अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। और कनाडा में ये चीज़ें भी होती हैं कि जैसे आप नए नए मदर बने हो, आपको नहीं पता कि आपको फीड कैसे करवाना है, बच्चा आपका अच्छी तरह लैच नहीं कर रहा या फिर वो प्रॉपर फीड नहीं ले पा रहा है, अगर आप बॉटल फीडिंग करवाते हैं तो वो बॉटल को अच्छे से नहीं पकड़ रहा, तो यहाँ पर ऑफिसेज होते हैं, वॉलंटियरिंग होती है, वहाँ पर जाके आप ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर जाके आप अपने आप को ज्वाइन करो, वो आपको पूरी आपको एजुकेशन देंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या आप कर सकते हो, तो विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। फॉर्चुनेटली मुझे तो ज़रूरत पड़ी नहीं उन सब चीज़ों की, बट मैं आपको बता रही हूँ अगर आप डर रहे हो कि हम अकेले हैं और हमें नहीं पता लगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको आपके फुटस्टेप पे ही मिल जाएगा, इवन कि पेरेंटिंग वगैरह के भी लेसन होते हैं वो भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो था जो मेरा एक्सपीरियंस रहा डिलीवरी वाले दिन का, बट अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो और ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहें। सो अब बात करते हैं कि कनाडा में अगर आप हो, स्टेप्स हैं जो आपको पहले से फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आप ढूंढो अपना फैमिली डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे फैमिली डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडिया में होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप सीधा हॉस्पिटल चले जाओगे या फिर आप किसी डॉक्टर को कंसर्न करोगे तो वो आपको चेक कर लेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये यह है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक बड़ी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो देन आपका फैमिली डॉक्टर यहाँ पे होना चाहिए, तो वही आपको प्रिस्क्राइब करेगा एंड देन रिकमेंड करेगा कि आप हॉस्पिटल में जाओ या भी कुछ भी आगे प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो अगर आप आते हो कनाडा में नए हो तो पहले ही अपना नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दो, तो कभी ना कभी तो आपको जो फैमिली डॉक्टर है मिल जाएगा। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो एंड पहला स्टेप आपके माइंड में ये आएगा कि अब क्या करना है। मेरे केस में यही हुआ था कि जब मुझे पता लगा कि दैट आई एम प्रेग्नेंट, तो मुझे हुआ कि यार क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पहला बेबी है, पहला क्या स्टेप उठाना है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी नहीं है, कुछ समझ नहीं, और यहाँ का सारा इंडिया से और कनाडा में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, मतलब मुझे तो मैं बिल्कुल ऐसे एकदम स्टन सी हो गई थी कि अब क्या करना है। बट लकीली हमें वर्क के थ्रू कवरेज मिलती है, जैसे टेलस हेल्थ हो गया, वर्चुअल डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे, एक आई थिंक मेपल करके भी नाम है कुछ, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो वर्चुअल डॉक्टर्स होते हैं, रजिस्टर नर्सेज होती हैं जो आपको गाइडेंस करती है, तो आप उनको कॉल करो, वो आपका पूरा डिटेल लेंगी क्या है क्या नहीं है, आपको पूरा आपका चेकअप करेंगी, एक किस्म का वीडियो कॉल पे आपकी बात होगी, वो आपको बताएंगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो मैंने तो ऐसा ही किया, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप रजिस्टर कर सकते हो, वर्चुअल डॉक्टर्स की वेबसाइट्स काफ़ी चल गई हैं, आप चेक कर लो ऑनलाइन, तो वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर लो एंड देन अपनी अपनी सारी सिचुएशन उनको बताओ। मेरे केस में दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल, उन्होंने क्या किया, क्योंकि मेरा तो फैमिली डॉक्टर था, लेकिन जो मेरा फैमिली डॉक्टर था वो था यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव पे, तो मुझे पहले ये समझ ही नहीं आ रही थी कि अगर मुझे बार बार चेकअप करवाने के लिए जाना पड़ेगा तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे 3 घंटे की ड्राइव पे, जो मैं नहीं करना चाहती, दैट वाज नॉट कन्वीनियंट फॉर अस। सो इसलिए मैंने अपने वर्चुअल डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे एरिया में जो वुमेन क्लिनिक होता है, हर एरिया में होगा ही, जहाँ पर आप रहते हो ज़रूर होगा, वहाँ पर देखा कौन सा गायनाकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है, तो मेरी जो भी पूरी फाइल थी उनको ट्रांसफ़र कर दी।
जब उनको ट्रांसफ़र कर दी एंड जो हॉस्पिटल था मेरे एरिया में उनको भी मेरा जो भी पेपर वर्क था वो ट्रांसफ़र कर दिया एंड मुझे विद इन लाइक आई थिंक 2 to 3 hours में मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि पहला स्टेप है आपका ब्लड वर्क होगा, ब्लड प्रेशर चेक होगा एंड देन उसके बाद मैंने अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करा ली। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सा प्रोसेस हो जाता है अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं भी है। और जो ये वर्चुअल हेल्प होती है वो 24 hours होती हैं, आप कभी भी फ़ोन उठा के आप उनको कॉल कर सकते हो, आप उनको मैसेज कर सकते हो, आप कोई भी आपको हेल्प चाहिए वो आपको हेल्प करेंगे, आपको प्रेगनेंसी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको वो बताएंगे। देन जब आप उनके साथ बात कर रहे होते हो तो वो आपसे कपल ऑफ थिंग्स पूछते हैं कि आप मिडवाइफ प्रेफर करोगे या फिर आप गायनोकोलॉजिस्ट प्रेफर करोगे। तो मिडवाइफ का ये होता है कि वो आपके घर भी आ सकते हैं अगर आपको प्रेगनेंसी के बीच में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नॉलेज वगैरह चाहिए हो, आप उनको एक सेकंड में टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बट द ओनली थिंग समटाइम्स जो भी होती है वो घर पर, मिडवाइफ पूरी कोशिश यही करते हैं कि वो घर पर ही हो, हॉस्पिटल में ना हो, जितने भी उनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं। डॉक्टर का ये होता है कि हॉस्पिटल में ही डिलीवरी होगी, बट डॉक्टर का ये भी है कि आप हर 10 सेकंड के बाद उनको मैसेज नहीं कर सकते कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये मैं कर लूँ, आप अपॉइंटमेंट में जाके ही उनसे बात कर सकते हो। तो मिडवाइफ इन केस में सही रहता, बट मेरे केस में ये था कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मिडवाइफ कोई अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ा और मैं डॉक्टर ही प्रेफर कर रही थी बिकॉज मैंने कहा कि बार बार इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट यस डॉक्टर होना चाहिए बिकॉज अगर आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन भी आती है तो एटलीस्ट हम हॉस्पिटल में होंगे तो हॉस्पिटल में सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको रश नहीं करना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने, अगर आप वर्चुअल हेल्प पे रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोकली ढूंढो कि आपके एरिया में कौन सा वुमन क्लिनिक है, आप वहाँ पे कॉल करो, अपॉइंटमेंट बुक करवाओ और वो आपको सारा प्रोसीजर समझा देंगे। देन जब आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाएं, देन जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो होती हैं 4 weeks की, देन 2 weeks की, देन 1 week, जैसे आपकी डिलीवरी डेट पास आती जाती है। एंड एवरी अपॉइंटमेंट में डॉक्टर की क्या होता है, आपका वेट चेक किया जाता है, देन आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है, देन उसका यू नो साइज वगैरह चेक किया जाता है। मेक श्योर जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी 4 weeks की, 2 weeks की एंड 1 week की आप मिस नहीं करो। 20 week में आपका होता है अल्ट्रासाउंड जिसमें आपको पूरा बताया जाता है कि बेबी का जेंडर क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो लीगल है, यहाँ पे बता देते हैं कि जेंडर क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं जानना चाहते हो वो भी आपकी मर्ज़ी है। डॉक्टर आपसे पूछता है पहले कि आप जानना चाहते हो कि आप नहीं जानना चाहते हो, तो लाइक दे आर वेरी प्रोफेशनल। यहाँ पे ऐसा नहीं आपको जवाब नहीं देंगे या फिर आपका बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, आपको हर चीज़ का जवाब मिले। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 10 to 11 week जब आपका होता है तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है जो मैं आपको पर्सनली बताना चाहती हूँ, वैसे तो आपको डॉक्टर भी बता ही देगा, जेनेटिक टेस्टिंग होती है वो। तो वो टेस्ट होता है काइंड ऑफ डाउन सिंड्रोम वगैरह का चेक करने के लिए। तो वो अगर आप कनाडा से करवाते हो तो वो इंश्योरेंस के थ्रू आपको लाइक कवर होता है, बट जो उसके रिजल्ट्स हैं वो 70 to 80% ही एक्यूरेट होते हैं। बट अगर आप US से करवाते हो, आई नो यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, बट जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो 98-99% तक सही होते हैं। तो मैंने US वाला ही करवाया था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। द लास्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब आप कैनेडा में आते हो तो मेक श्योर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। वैसे तो प्रेगनेंसी का जो भी कॉस्ट वगैरह होती है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होता है, कोई भी चार्जेस नहीं होते, लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपको कोई दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ रही हैं तो वो कॉस्ट करेंगी। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इट विल कॉस्ट यू फॉर्चून, सो मेक श्योर आप इंश्योरेंस लेके रखो। आपने कोई वाइटामिन वगैरह लेनी है जो भी है वो तो आपको पैसे देके ही लेनी पड़ेंगी, तो मेक श्योर आपके पास इंश्योरेंस हो ताकि आपकी पॉकेट में होल ना हो जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है कि प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगी। तो ऐसा रहा कुछ मेरा एक्सपीरियंस। होप यू गाइस फाइंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल। इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनी अदर इंफॉर्मेशन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एज वेल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।